नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्लाम और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज का वीडियो में हम लोग कोरोना के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपके सामने दो चैलेंजेस होती है। पहला चैलेंजेस होती है अपने आप को बचाना और दूसरा चैलेंजेस होती है दूसरों को भी बचाना। तो कैसे अपने आप को बचाएंगे? नंबर एक, अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो करना है वो है बिल्कुल ना घबराए, मतलब पैनिक ना हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे 99% केस में आदमी का कोरोना में मौत नहीं होती है, सिर्फ 1% आदमी कोरोना में मर सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कोरोना उतना घातक नहीं होता, दूसरा जैसे कोई भी वायरस या फ्लू होते हैं उसी तरह कोरोना है। लेकिन कोरोना नया वायरस है इसलिए आदमी ज़्यादा डरते हैं। नंबर दो, कोरोना पॉजिटिव में खान पान का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको बैलेंस डाइट लेना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। और सबसे अहम बात है ये है, कोरोना में इम्यूनिटी सिस्टम का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा साइट्रस फ्रूट यानी कोई भी फ्रूट जिसमें विटामिन सी रिच हो ऐसे फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि इसमें आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ता है और कोरोना को मात देने में सक्षम होता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर खाए तो गर्म गर्म ही खाए, फ्रिज का ठंडा सामान बिल्कुल मत न खाए, क्योंकि इससे आपका परेशानी और भी बढ़ जाती है। इसमें ठंडी और लग सकती है और आपको लग सकता है मुझे कोरोना और भी ज़्यादा घिर रहा है। नंबर तीन, कभी कभी कोरोना पॉजिटिव में भी आप नॉन सिम्टोमेटिक हो सकते हैं, मतलब अगर आपको सिम्टम दिखाई देना है तो 5 से 7 दिन के अंदर ही आपको कई ऐसे सिम्टम दिखाई देती है, जैसे कि तेज़ बुखार आना और सांस लेने में दिक्कत होना। अगर आप ऐसे सिम्टम का सामना कर रहे हैं तो ज़रूर डॉक्टर से सलाह करें। नंबर चार दोस्तों, अगर कोरोना पॉजिटिव पाने के बावजूद भी अगर आप में सिम्टम नहीं है तो आपको 2 से 3 सप्ताह आराम करना है, यानी रेस्ट लेना है, अच्छे से नींद लेना है और अच्छी डाइट लेना है। क्योंकि नींद एक ऐसे नेचुरल प्रोसेस है जिससे हमारे शरीर अपने आप को ठीक कर लेता है और इम्यूनिटी सिस्टम भी ऑटोमेटिक इसको हैंडल करता है। तो इसीलिए अच्छे से नींद ले और बैलेंस डाइट ले, 2-3 सप्ताह के बाद देखेंगे कोरोना को आप मात देने में सक्षम होंगे। लेकिन कोरोना का दूसरा जो पहलू है वो दूसरों को कैसे बचाएंगे? दोस्तों, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आपको ज़्यादा सतर्क रहना है। अगर आपको पता चल चुका है आप कोरोना पॉजिटिव है तो आप ये 5 सावधानी ज़रूर बरते। नंबर एक, अपने आप को आप पूरी तरह से आइसोलेट कर ले, यानी अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपके द्वारा और भी कई लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए हर समय मास्क पहन के रखिए और सोशल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन कीजिए, क्योंकि कई आदमी को शायद पता ना चले आपको कोरोना पॉजिटिव है, इसीलिए आपको ज़्यादा सावधानी बरतना है। नंबर दो, अगर आपको हाँची खाँसी या स्नीजिंग होता है तो ज़रूर आप हाथ ढककर करें और इसके बाद हाथ को अच्छे से धो लें, क्योंकि ये बेहद ही कॉन्टाजियस डिजीज़ है और आपके द्वारा कई आदमी को फैल सकता है। नंबर तीन, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आप बिल्कुल बेवजह बाहर मत घूमें, क्योंकि बाहर घूमने से कोरोना स्प्रेड होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसी कारण आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ध्यान रखें आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी ना आए। नंबर चार, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खासकर आप ध्यान रखें बच्चों के तरफ, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है और इसके खतरे के बारे में भी नहीं पता होता है, जो ये कॉन्टाजियस डिजीज़ है और संपर्क में आने से उसको भी कोरोना अटैक कर सकता है। इसीलिए आप ज़रूर बच्चों से बचें और बच्चों को ना आने दें अपने पास। नंबर पाँच, घर में रहते समय अगर आप किसी चीज़ को आप छूते हैं तो चाहे वो मोबाइल हो, क्रेडिट कार्ड हो, पैसे हो, तो तुरंत आप छूने के पहले और छूने के बाद हाथ धो ले, क्योंकि घर में आप जिस चीज़ को छुएंगे उस चीज़ में कोरोना वायरस फैल सकती है और दूसरा व्यक्ति जब उस चीज़ को छुएंगे वो भी कोरोना इन्फेक्टेड हो सकता है। दोस्तों, कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद अगर आप इस चीज़ में ध्यान रखेंगे और ख्याल रखेंगे तो कोरोना को आप हरा सकते हैं, अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली है जिससे आप कोरोना से लड़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।